ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बाबा, आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 31 का पठन होने जा रहा है। कृपा अपना आशीर्वाद देकर इसे सफल बनाएं। जो भी भक्त इसका श्रवण कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिले, उनके चित्त में उतरे। आइए अध्याय 31, मुक्तिदान। पहला, सन्यासी विजयानंद। दूसरा, बालाराम मानकर। तीसरा, नूलकर। चौथा, मेघा। पांचवा, बाघ की मुक्ति। इस अध्याय में हेमाडपंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बाघ के प्राण त्याग की कथा का वर्णन करते हैं। प्रारंभ। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भवित्वता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना रहती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरिस्मरण और जाप को ही श्रेष्ठ बताया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में ना पड़ जाएं। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत जो कि सर्वज्ञ हैं उचित पथ प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता करें। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। पहला, विजयानंद। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की ओर है, तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता, तथा भूटान निवासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था, उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर, तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था। जाति पाति का भेदभाव बुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ना होती थी। दो दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा ही कैसे सकता था, इसीलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान,
बाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है, ऐसा ही समझकर इहलौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो, उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो, और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नानादि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लैंडीबाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सदगति प्रदान की। दूसरा, बालाराम मानकर। बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और सब घर बार अपने लड़के को सौंप वे शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 12 रुपये देकर मछिंदरगढ़ जिला सतारा में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने को ना थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं ये उत्तम उपाय तुम्हें बतला रहा हूँ, इसलिए वहाँ जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वह मछिंदरगढ़ चला गया और वहाँ के मनोहारी दृश्यों, शीतल जल तथा उत्तम पवन और समीपस्थ दृश्यों को देखकर उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुरियावस्था में ही दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुरियावस्था से प्राकृतावस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें वहां भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किए वह दोनों अभिन्न हैं या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास बादरा को रवाना हो गया। वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर पर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ का कारण वह टिकट खरीद ना सका। इतने में ही एक देहाती जिसके कंधे पर एक कंबल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ ना था वहां आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहां जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वह कहने लगा कि मेरा यह दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज ना हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे। इतने में टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ।
जब तक गाड़ी नहीं छूटी मानकर उसके लौटने की ही प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह अंत तक ना लौटा। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में द्वितीय बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहर कर मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्री चरणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वह सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अंततः उस भाग्यशाली ने बाबा के सम्मुख उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। तीसरा, तात्या साहेब नूलकर। हेमाड पंत ने तात्या साहेब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साईलीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था। सन 1909 में जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहेब चंदोरकर भी वहाँ के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते और प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहेब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे दो शर्तों पर चलने को तैयार हुए। पहला, उन्हें ब्राह्मण रसोईया मिलना चाहिए। दूसरा, भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसे उन्होंने तात्या साहेब के पास भिजवा दिया और एक संतरे का पार्सल भी आया, जिस पर भेजने वाले का कोई पता ना लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही ईश्वर अवतार हैं, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें पवित्र धार्मिक पाठ सुनाया गया और अंतिम क्षणों में उन्हें बाबा का पाद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। चौथा, मेघा। 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उसके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी के सदृश रोते पीटते हुए मस्जिद को लौटे। सदगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय है। यहाँ तक कि बाघ सरीखा एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा के शरण में आया, जिसका वृत्तांत निम्नलिखित है। पांचवा, बाघ की मुक्ति। बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे, और यही उनकी जीविकापार्जन का एकमात्र साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह स्वभावत ही भयानक था, पर रुग्ण होने के कारण वह बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वह सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेमपूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ
तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरीखे महान संत के चरणों में उसे सदगति प्रदान हो गई। वह दरवेशियों का एक ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सदगति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रख कर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत होना कैसे संभव है। श्री सद्गुरु साईनाथ अपरनमस्तु, शुभम भवतु, ओम साई राम।